उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की लाचारी की एक और तस्वीर सामने आई है बागपत जेल के भीतर से, जहां चर्चित डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। मुन्ना बजरंगी, जिसका दखल हर तरफ रहा, जुर्म की दुनिया में भी, सियासत में भी, समाज में भी और सत्ता में भी। कहते हैं कि मुन्ना बजरंगी बाहुबलियों की ताकत का नया नाम बनकर उभर रहा था, जिसका असल नाम था प्रेम प्रकाश सिंह। सिर्फ नाम में ही प्रेम था, बाकी काम अपराध का था, जिसका परिचय था बंदूक, बुलेट और किसी की भी बोलती को बंद कर। छोटी सी उम्र में ही अपराध की दुनिया में उतर जाने वाले प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना सिंह का जन्म जौनपुर में साल 1967 में हुआ था। हर पिता की तरह उसके पिता भी चाहते थे कि पढ़ लिख कर कुछ करे, लेकिन मुन्ना का मन हमेशा से अपराध के कामों में ही लगता रहा। पांचवी कक्षा के बाद उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। कहते हैं कि मुन्ना को हथियार रखने का शौक था। पहली बार सिर्फ 17 साल की उम्र में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने ये कहते हुए एफआईआर दर्ज की थी कि उसके पास अवैध बंदूकें थी, मारपीट करता था। ये मुन्ना का अपराध की दुनिया से पहला परिचय था, इसके बाद वो कभी पलट कर नहीं देखा। गुनाह के पन्नों में मुन्ना के नाम दर्ज हत्या की पहली कहानी 80 के दशक से शुरू हुई। लूट के मकसद से एक व्यापारी की हत्या हुई, इसके बाद जौनपुर में एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में मुन्ना की अलग पहचान हो गई। पूर्वांचल में उसका दम दिखने लगा। इसी दम पर 90 के दशक में मुन्ना का संपर्क माफिया मुख्तार अंसारी से हुई। दोनों एक गैंग के हो गए। पूर्वांचल में इस गैंग की धमक बढ़ी, अपराध की दुनिया और राजनीति दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। पूर्वांचल में बढ़ती ताकत का अंदाजा पुलिस, प्रशासन, सत्ता, सियासत सबको था, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। नतीजा ये हुआ, मुन्ना मुख्तार गैंग की ताकत बहुत ज्यादा हो गई। ठेकेदारी, वसूली, रंगदारी रोज का काम हो गया। बीच में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय चुनौती बने, उन्हें खत्म करने की साजिश रची गई। मुन्ना बजरंगी को जिम्मेदारी दी गई। 29 नवंबर 2005 को लखनऊ हाईवे पर कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर 500 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई। विधायक समेत 6 लोगों की मौत ने सूबे की सियासत में तहलका मचा दिया। मुन्ना के नाम से खौफ खाने वालों की संख्या बढ़ गई। इसी के साथ मुन्ना बजरंगी मोस्ट वांटेड भी बन गया। अब मुन्ना की तलाश यूपी पुलिस, एसटीएफ, सीबीआई सबको थी। हत्या, अपहरण, वसूली, डकैती, कई मामलों में शामिल होने के आरोप लगे, लेकिन बढ़ते दबाव के बीच भी हमेशा वो अपना लोकेशन बदलता रहा। बीच में मुन्ना ने सियासत में हाथ आजमाने की कोशिश की। इसी कोशिश ने मुख्तार अंसारी के साथ उसके संबंधों को खराब कर दिया। ये वक्त उसके लिए सबसे बुरा था। मदद करने वालों की संख्या घटने लगी। उसने अपना सियासी पाला बदला, फायदेमंद साबित हुआ। कांग्रेस के कद्दावर नेता ने शरण दिया। मुन्ना की पहुंच अब मुंबई की सियासत तक हो गई। यूपी में उसे पुलिस का डर था, बिहार में एसटीएफ का, दिल्ली में प्रशासन से डर था। नतीजा ये हुआ, मुन्ना भागकर मुंबई चला गया। वक्त बीतता गया, कई बार विदेश के दौरे भी हुए। मुन्ना का रिश्ता अपराध की दुनिया के बड़े लोगों से होने लगी थी। अब पहुंच अंडरवर्ल्ड तक हो गई। आखिर में जैसे हर अपराधी के अपराध के पन्नों को पुलिस अपने रंग में रंगती है, मुन्ना के आपराधिक पन्नों को भी ऐसे ही रंगा गया। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से मुंबई में ही मुन्ना को अरेस्ट कर लिया। बाद में ये कहा गया कि मुन्ना खुद दिल्ली पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि एनकाउंटर में उसे मार न दिया जाए। 20 साल के आपराधिक इतिहास में 40 हत्याएं करने का दावा करने वाला मुन्ना फिलहाल जेल में था, लेकिन हर अपराध की कहानी एक दिन रहस्य में ही खत्म हो जाती है। जौनपुर से शुरू हुई कहानी में जिस हथियार के शौक ने मुन्ना को अपराधी बनाया था, उसी हथियार से निकली गोलियों ने मुन्ना की कहानी का अंत भी कर दिया।